अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वेज हांडी, जो कमाल की रेसिपी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वेज हांडी बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जियों को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए हम लेंगे पैन में थोड़ा सा तेल। आंच को मीडियम टू हाई रखेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने पर ऐड करेंगे 200 ग्राम गोभी और इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। गोभी के फ्राई होने पर डालेंगे 1 कप गाजर टुकड़ों में काटे गए, 1 कप बीन्स, आधा कप मटर डालकर सभी सब्जियों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। सब्जियां अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। अब डालेंगे 1 कप शिमला मिर्च के टुकड़े, 1 कप प्याज के टुकड़े डालकर इसे 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, अब इसे भी निकाल लेंगे। पैन में 10 से 12 काजू डालेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे। वेज हांडी बनाने के लिए पॉट में डालेंगे 1/2 कप तेल और इसे तेज आंच पर गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने पर डालेंगे 6 प्याज बारीक चॉप की गई, प्याज को नरम होने तक पकाएंगे। प्याज को हमने लाल नहीं करना है, प्याज के नरम होने पर डालेंगे 3 चॉप किए गए टमाटर। अब आंच को स्लो कर लेंगे और ऐड करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 8 से 10 चॉप किया गया लहसुन, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 3 से 4 चॉप हरी मिर्च, नमक टेस्ट के मुताबिक डालें और थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिगोई गई 3 कश्मीरी मिर्च। इसे ऐड करने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसे 1 मिनट और पकाएंगे। हमने मसालों को लगभग 1 मिनट और पका लिया है। अब आंच बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा करके पीस लेंगे। हांडी में डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे गर्म कर लेंगे। अब डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च डालकर इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे तैयार किया गया मसाला। मसालों को बघार में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
जार में थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को छुड़ा लेंगे। इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। अब हांडी को ढककर मसालों को 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की गई सब्जियां। फ्राई की गई शिमला मिर्च और प्याज, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक डालकर सभी सब्जियों को बहुत ही अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। सब्जियों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड काजू, कसूरी मेथी, 2 टीस्पून बटर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को बराबर करने के लिए और इसे मिला लेंगे। आंच को तेज कर लेंगे और इसे 2 मिनट पकने देंगे। अब इसे धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे और आंच को बंद कर देंगे। वेज हांडी सर्व के लिए तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।